समस्या है। मेरी वाइफ खुद आज डिलीवरी होने वाली है, लेबर पेन हो रहा है, लेकिन कोई साधन न जाने की वजह से वो रुका पड़ा हुआ है। तो मेरी प्लीज फिर एक बार रिक्वेस्ट है प्रशासन से, मैं एक सोल्जर हूँ, देश का सोल्जर हूँ, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये रास्ता जो कि 4 किलोमीटर है, सिर्फ 4 किलोमीटर तक रास्ता ये बनवा दे तो हम सब आपका ग्रामवासी आभारी हैं सिद्धपुर के सारे। एक फौजी देश की सेवा को पूरी निष्ठा के साथ करता है, देशभक्ति में अपनी जिम्मेदारी भी निभाता है, बावजूद जब परिवार की बात आती है तो ना कर पाने का कष्ट क्या होता है, उसी को बयां किया है मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक फौजी ने। इस फौजी ने अपनी लाचारी का एक वीडियो बनाकर स्थानीय प्रशासन से एक अपील की है। पहले आप एक बार उनका ये वीडियो देख लीजिए। आज मैं बता रहा हूँ, आज हकीकत क्या है कि मैं एक सोल्जर हूँ, मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, और यहाँ ना तो एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही कोई 4-व्हीलर गाड़ी जा सकती है, ना तो मोटरसाइकिल जा सकती है, और ये रोड की सिर्फ रोड की वजह से ये हालत है। आप देख रहे हो ये कंडीशन है रोड की, यहाँ तक नहीं है, यह बस नहीं है, पूरा रोड यहाँ से लेकर के 4 किलोमीटर तक यही हालत है रोड की। तो मेरी आज वाइफ ऐसी पड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि कोई वाहन नहीं है उसको ले जाने के लिए, उसको 2-3 दिन ऐसी वेट करवाया कि भाई वेट करो, ऐसी पड़ी हुई है, जब रास्ता ठीक होगा उसी टाइम पे लेकर के जाएंगे उसको, क्योंकि एम्बुलेंस आ नहीं सकता है, कोई गाड़ी जा नहीं सकती है, तो कैसे उसको लेके जाऊं, ये समस्या है। मेरी वाइफ खुद आज डिलीवरी होने वाली है, लेबर पेन हो रहा है, लेकिन कोई साधन ना जाने की वजह से वो रुका पड़ा हुआ है। तो मेरी प्लीज फिर एक बार रिक्वेस्ट है प्रशासन से, मैं एक सोल्जर हूँ, देश का सोल्जर हूँ, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये रास्ता जो कि 4 किलोमीटर है, सिर्फ 4 किलोमीटर तक रास्ता ये बनवा दे तो हम सब आपका ग्रामवासी आभारी हैं सिद्धपुर के। दरअसल ये फौजी हाल ही में छुट्टी लेकर अपने गांव आया था, उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी थी, लेकिन बारिश के कारण सड़कों की हालत इतनी बेहाल हो चुकी थी कि घर तक कोई वाहन नहीं पहुंच सकता था। ऐसे में लाचार सैनिक ने एक वीडियो बनाकर प्रशासन से भावुक अपील की। अपने वीडियो में उसने प्रशासन से कहा है कि उसके गाँव की सड़क जल्द से जल्द बनवाई जाए। बता दें कि ये मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुशनगर ब्लॉक के सिद्धार्थपुर गांव का है। जानकारी के अनुसार यहां के रहने वाले भगवान दास अनुरागी भारतीय सेना के एक सैनिक हैं। फिलहाल उनकी तैनाती कश्मीर में है और वो अपनी छुट्टियां बिताने गांव आए थे। इसी दौरान देश के अन्य भागों की तरह उनके गांव में भी बेमौसम बारिश हुई। बारिश के पानी से गांव की गलियां कीचड़ से भर गईं। बताया जाता है कि इस बारिश की वजह से फौजी के गांव से लेकर ग्राम पंचायत पुरवा बमोरा तक लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में कोई सड़क न होने के चलते वहां दुर्दशा का हाल था, जिसके बाद फौजी को ये वीडियो बनाना पड़ा। इस वीडियो में फौजी की लाचारी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि वो अपनी गर्भवती पत्नी का इलाज तक नहीं करवा पा रहा। इसकी वजह है सरकार की लापरवाही और झूठे वादे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लगातार लोग इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो सामने आने के बाद सरकार कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगी।